बाद पंजाब में मिली सफलता के बाद भ्रष्टाचार से त्रस्त नागरिक आम आदमी पार्टी को पर्याय मान रहे हैं। दिल्ली मॉडल को देश में लोकप्रियता मिली है और यही मॉडल नागपुर मनपा चुनाव सहित देश भर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में आपका रहेगा। यह कहना है आपके प्रदेश सहायक प्रभारी दीपक सिंगला का। वे वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित विदर्भ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद प्रेस परिषद में बोल रहे थे। सिंगला ने कहा कि मनपा चुनाव में स्वच्छ छवि वाले प्रमाणिक व्यक्ति को टिकट दी जाएगी। किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करने की बजाय आप सीधे जनता से गठबंधन करेगी। सम्मेलन में पूरे विदर्भ भर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में जिन शहरों की मनपा में भाजपा की सत्ता थी, वहाँ भ्रष्टाचार की बू आती है। आज हम यहाँ पे मिले हैं आप लोगों से, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारा आज का उद्देश्य ये, हम चुनाव बहुत नज़दीक हैं, नगर निगम के चुनाव पूरे राज्य में, नागपुर में बहुत नज़दीक हैं। मुझे पता चला पिछले 15 सालों से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और पिछले 15 सालों में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, हम पिछले कुछ महीनों से दौरा कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र का, हर जिले का दौरा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो मुझे बताया जा रहा है कि वहाँ पर जहाँ पर भी सरकारें, भाजपा की सरकारें और सरकारें कॉरपोरेशन के अंदर, वहाँ भ्रष्टाचार बहुत हुआ है पिछले कुछ सालों में। नागपुर में पिछले 15 सालों में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। अकोला में था, यवतमाल में था, अभी आज हम वहाँ से आ रहे हैं, अमरावती से आ रहे हैं, सब जगह बीजेपी सरकार है और वहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है। आम आदमी पार्टी एक अच्छी सरकार, साफ सरकार, ईमानदार सरकार, काम करने वाली सरकार देने की बात करती है। दिल्ली में हमने करके दिखाया है, पंजाब में हम आए हैं, पंजाब में हम कर रहे हैं, हम अब नागपुर में हैं, नागपुर में हम पूरी जी जान से चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चुनाव के अंदर जितने भी चुनाव होंगे अगले, महानगर पालिका के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, नगर परिषद के, सभी चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लड़ेगी और बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।